आप ये तो जरूर जानते होंगे कि दही दूध से बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया भी उस दूध में मिले रहते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया। लेकिन आप परेशान न हो, ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इन बैक्टीरिया को अक्सर प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। दही में हजारों तरह की बैक्टीरिया होती है। ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। दही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया का अच्छा सोर्स माना जाता है। इस वीडियो में हम दही बनाने के प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। दही बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की जरूरत पड़ती है। किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हमें सभी इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज्ड यानी निर्जलित करने की आवश्यकता है। अब हम शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले दूध को 15 से 30 मिनट तक 85 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में दूध में पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मार दिए जाते हैं। दूध को लंपी यानी ढेलेदार होने से बचाने के लिए इसके फैट ड्रॉपलेट्स और दूध के बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए दूध को होमोजिनाइज किया जाता है, ताकि वो दूध में डूबने के बजाय सतह पर तैरते रहें। इस तरह हमने अपने इक्विपमेंट को स्टरलाइज करके दूध को पाश्चराइज और होमोजिनाइज कर लिया है। इसके बाद मिक्सचर को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है। दही बनाने वाले बैक्टीरिया को ठंडे दूध में मिलाने पर ये बैक्टीरिया मरते नहीं है। आपको ये अजीब लग सकता है कि बैक्टीरिया को मारने के बाद हम दूध में फिर बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं। दूध में हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल चीज यानी पनीर बनाने में भी किया जाता है। दही बनाने के लिए दो स्पीसीज लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का इस्तेमाल किया जाता है। परेशान मत होइए, आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि दही बनाने के लिए दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को स्टार्टर कल्चर भी कहा जाता है। इसी बैक्टीरिया के कारण दूध दही में कन्वर्ट होता है। दूध में पाई जाने वाली की शुगर लैक्टोज है। फर्मेंटेशन के दौरान बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही बैक्टीरिया मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। फर्मेंटेशन में कई घंटे लग जाते हैं। इस दौरान मिक्सचर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ताकि बैक्टीरिया अपना काम तेजी से कर सकें। फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनने के कारण दूध की पीएच वैल्यू गिर के 4.4 पे पहुंच जाती है। यही कारण है कि नेचुरल कर्ड का टेस्ट तीखा होता है। पीएच वैल्यू गिरने से दूध सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पीएच वैल्यू मिनिमम होने पे दही बनाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपना काम करना बंद कर देते हैं। पीएच वैल्यू मिनिमम होने से दही का सॉलिडिफिकेशन रुकने के साथ साथ दही में हार्मफुल बैक्टीरिया का प्रोडक्शन भी नहीं होता। प्रोटीन्स के कोएगुलेट होने के कारण सॉलिडिफिकेशन होता है। कोएगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमने इक्विपमेंट को स्टरलाइज किया, इसके बाद दूध का पाश्चराइजेशन करके उसे होमोजिनाइज किया। फर्मेंटेशन के लिए होमोजिनाइज्ड मिल्क में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिक्स करके मिक्सचर का कोएगुलेशन करेंगे। कोएगुलेशन में मिक्सचर को घुमाकर इसे 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। लीजिए, अब हमारा नेचुरल दही तैयार है। स्टेज पर हम दही के अलग अलग टेस्ट के लिए उसमें अलग अलग फ्लेवरिंग्स और फ्रूट्स मिला सकते हैं। अब ये पैकिंग और सेल के लिए तैयार है। वीडियो रोक के इस टेबल में लेफ्ट साइड में दी गई डेफिनेशंस को राइट साइड में दिए गए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स से मिलाइए। करेक्ट आंसर्स कुछ इस तरह हैं। क्या आप इन मिसिंग वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं? वीडियो रोक के इन्हें कंप्लीट करें। करेक्ट आंसर ये हैं। तो इस तरह हमने दूध से नेचुरल दही के साथ साथ टेस्टी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड दही बनाना सीखा।